नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक नियुक्ति, राज्य सरकार को बड़ी राहत। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, 26 अगस्त को सुनवाई। जी हाँ, ये खबर पटना छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जैसा कि हम पहले आपको बता दें कि कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई थी और एक साथ चार केसों को टैग किया गया था और चारों केसों का सुनवाई अगले डेट तक बढ़ा दिया गया। इस पे मांग किया गया था कि हम बहाली पे स्टे लगाना चाहते हैं, हमें कुछ दिन का मोहलत दीजिए, ये नियमावली सही नहीं है। उसी को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। पटना हाईकोर्ट में राज्य में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के वी चंदन तथा न्यायमूर्ति पार्श्व सारथी की खंडपीठ ने सोमवार को प्रभाकर रंजन तथा अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि स्कूल शिक्षक रूल 2006, रूल 2008, रूल 2012, रूल 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को बिना हटाए नया रूल लाया गया है, जो गलत है। पूर्व के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका को था। इन प्रावधानों को हटाए बगैर रूल 2023 लाया गया है, जिसके तहत राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। याचिकाओं ने नियुक्ति पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। अब अगली सुनवाई यहां पे 26 अगस्त को दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 22 अगस्त को सुनवाई है, लेकिन पेपर के माध्यम से 26 अगस्त को बोला जा रहा है। हो सके पेपर को छापने में कुछ गलतियाँ हुई होंगी। खैर, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।